और जब मैंने निवेदन किया है कि ऐसे संतों के सानिध्य में, संतों के संरक्षण में कोई भी भय, कोई भी अशांति को बताने के लिए, अपने आप को जागृत करने के लिए आप लोगों के पास तक इंटरनेट के माध्यम से, एक कार्य के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से आप इस बात को समझें और अपने आप को एक प्रैक्टिकली, अपने आप को एक फिलॉसफर, अपने आप में एक परिपक्वता, अपने आप में एक दर्शन, ये युवा, ये आत्मा, ये परमात्मा, इनकी लीला अजीब होती है। ये न जवान होते, न बुद्धे होते, न बालक होते, तो अद्भुत होते हैं, अलौकिक होते हैं, और ये पृथ्वी के ही बालक माने जाते हैं, भारत माता के ही बालक माने जाते हैं। और ऐसे ऋषियों मुनियों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, दधीच जैसे ने तो अपने अंगों को दे दिया है देवासुर संग्राम के लिए। महाराज दधीच ने हाँ अपने अंगों को दान में दे दिया है। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ, आपने आज का कुछ ही समय में, आज की जो धर्म संसद है, जो धर्म सभा है, आपके सामने कुछ ही समय में उपस्थित होगी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। वैसे तो परशुराम का अगर प्रसाद आपके पास, सबके पास तक, भाइयों के पास तक, आज यहाँ का प्रसाद आप सबके पास तक अगर पहुंच जाए तो मैं मानूंगा कि बहुत बड़ा सत्संग और बहुत बड़ी धर्म सांसद हमारे संतादिक महाराज की। और यही वो तो अपने लिए नहीं के, अपने लिए कुछ भी कहीं भी नहीं करते, ये तो मानव को जगाने के लिए कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र पूरे विश्व में। आज उनकी ये यज्ञ देख, शोध विधा पारस नहीं जानत कंचन करत घरो। और इस मंच के माध्यम से हमको तो इसी दिन आभास हो गया था, ये रीवा की धरती है, ऊर्जा हम खींच करके लाएंगे। और हमारे इस रीवा के आदरणीय जो मंत्री जी है, ऊर्जावान बने, हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे पद पे जब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि उस ऊर्जा का दुरुपयोग करता है, तो हमारे साधु संत